नमस्कार मुझ किशोर एन क्लासेस को आपण मानक स्वागत करुचे। पे आशा करुचे आपर प्रिपेरेसन बहुत भल चली कौनपमी कहूँ ना भिडियो गुड़क बहुत सारा कमेंट आसो जो पॉइंट गुड़ाक आम मिस कर दूचु क्लास बेले बेले मिस किसी पॉइंट से पॉइंट गुड़ाक आपने निज तरफ कमेंट करके जनाऊँ देखिक बहुत खुशी लगुच एमती आप प्रिपेरेसन करती भाव में आपको सक्सेस मिल। आज भिडियो स्टार्ट करवा आगु मुझे प्रथम तो बहुत खुशी सहित कहना चाहूँगी जे आपंकर एत सारा भल पाइवा एत सारा स्नेह मिली चैनल को दुई दिन भितर आम 100 सब्सक्राइबर ऑलरेडी क्रॉस कर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आम स्टार्ट करवा आम भिडियो जोटा कि आज भिडियो स्टार्ट हे मिड वाइफ्री रु आपणकर सिलेबस आम पाखे अच्छी सब प्रकार सब स्टेट क्वेश्चन आम पाखे अच्छे एमपीएचडब्ल्यू मान तेणु ताको एनालिसिस करी आम क्लास स्टार्ट करवा जहाँ आमर एब्रिविएशन हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ डे जहाँ किसी थी जनरल नॉलेज ईर आसवापी ताको आम ऑलरेडी कवर कर सारीचे वर्तमान आम सब्जेक्ट वाइज वन बाय वन स्टार्ट करवा। ओके तेणु मिडवाइफ्री रु स्टार्ट करवा मूल रू एकदम रूट रु आपण मैंने निहाती भाव में भिडियोटी एंड पर्यंत देखिए सब भिडियो को जमी देखुं सेमती देखिए अटेंड करेंगे भिडियो क्लास गुड़ाक आउ प्रिपेरेसन ठीक रे करथबे कंसंट्रेटेडली भिडियो गुड़ाक देखिए जोटा आपण मैंने डाउट करेंगे कि किसी डाउट रोकू आप कमेंट करके जनइबे आम पुणी करेक्शन करूँ। ओके तेणु चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा मिड वाइफ फ्री रो तो प्रथम आम स्टार्ट करवा रिव्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके रिव्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिड वाइफ फ्री आपण प्रथम टॉपिक अच्छे सिलेबस रिव्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। ओके पुरुष और महिला दुईज जाकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आम एनालिसिस करवा ताको रिव्यू करवा आपण मैंने तो क्लास रे पढ़ी थे प्रिपेरेसन भी वर्तमान करते विभिन्न प्रकार बुक मैंने डिस्कशन करुवे पढ़ु तापर भी मुझे जरूरी भाविली से क्लास टी नौ तेणु रिव्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आम सबकि तार सेप साइज एवं अन्य सब जिन डिस्कशन कर सारापर आम डिस्कशन करवा कौन कौन क्वेश्चन आसपा एग्जाम ये टॉपिक रु। ओके सब्जेक्ट वाइज जितकी भी टॉपिक आम कंडक्ट करवा अपलोड करवा वीडियो क्लास सरी सारापर निहाती भाव से टॉपिक रु कौन कौन क्वेश्चन आसपा ताको आम डिस्कशन करवा तेणु वीडियो गुड़ी एंड पर्यंत देखुवे जो मैंने चैनल को प्रथम थर पर विजिट करते चैनल को दयाकोरी सब्सक्राइब करदे और साइड में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करदे जहाद्वारा कि आम द्वारा अपलोड कराइए प्रत्येक भिडियो आपखे पहुँची पार और आप प्रिपेरेसन भल्ले करें ठीक अच्छे। तो फर्स्ट आम देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली तीन टा स्ट्रक्चर को लेकिन आम डिस्कशन करवा फर्स्ट वन इज पेनिस सेकेंड वन इज स्क्रोटम एंड द थर्ड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक अच्छे पेनिस स्क्रोटम एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो पेनिस कौन पेनिस रे जो स्ट्रक्चर अच्छी सेटा आम मेनली बॉडी बा साफ्ट ग्लांस पेनिस एंड यूरेथ्रा द्वारा कवर हो बुझेगा पेनिस रे मेनली आम तीन टा स्ट्रक्चर उपरे डिस्कशन करवा गोटे हूँ बॉडी किंबा ताको साफ्ट बोली कह जाए ग्लांस पेनिस एंड यूरेथ्रा। तो प्राइमरी फंक्शन कौन प्राइमरी फंक्शन हूँ पेनिस रो यूरिनेशन आउ इंटरकोर्स। ठीक अच्छे शारीरिक संपर्क एवं यूरिनेशन करिवारे पेनिस सहाय्य करे ये आमर स्ट्रक्चर अच्छी स्ट्रक्चर रे आपण माने देखि परुथिबे स्ट्रक्चर डी देखंदो जेमदी एठी आमे डिस्कशन कले बॉडी बा साफ्ट ग्लांस पेनिस एंड यूरेथ्रा बुझेउ छी फिगर गुडा को देखिले आपण माने इजीली बुझि परिवे ये हूँ आमर ग्लांस पेनिस ये टोटल ग्लांस पेनिस तलर ये पर्यंत मु मार्क करूँ कह जाए साफ्ट बुझेगा यहाँ हूँ आमर स्क्रोटम एंड द लास्ट होल इज आनस। ठीक अच्छे तो प्राइमरी फंक्शन कौन पेनिस ना यूरिनेशन आउ ऑर्गन यूज फॉर इंटरकोर्स बुझेगा। नेक्स्ट आम देखा स्क्रोटम विषय स्क्रोटम कौन ना स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेस्टिस एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ओके
स्क्रोटम रे कौन तीन टा स्ट्रक्चर आम जमी पेनिस देखिले बॉडी शाफ्ट ग्लांस पेनिस एंड यूरेथ्रा स्क्रोटम रे सेमती अच्छे आम टेस्टिस एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस बुझे हुची? टेस्टिस सिक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस कौन सिक्रेशन करे? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन सिक्रेशन करे। देन एपिडिडाइमिस क्या कनेक्ट करे? टेस्टिकल को कनेक्ट करे का द्वारा वास डिफरेंस द्वारा कनेक्ट करे। बुझीगला? स्क्रोटम रे मेनली तीन टा स्ट्रक्चर इनक्लूड रोच गोटे हूँ टेस्टिस सेकेंड वन इज एपिडिडाइमिस एंड तीन नंबर हूँ आम वास डिफरेंस। टेस्टिस कौन करे? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन प्रोड्यूस करे। आउ एपिडिडाइमिस कौन करे? वास डिफरेंस सहित अटैच होगी क्या कनेक्ट करे? टेस्टिकल को कनेक्ट कर। क्लियर? नेक्स्ट नॉर्मल टेम्परेचर इज स्लाइटली कूलर दैन द बॉडी टेम्परेचर। तो स्क्रोटम रो टेम्परेचर केते ना बॉडी टेम्परेचर आमको जितकि फील हो ताटू स्लाइटली टिके ठंडा लगे। बुझीगला? द मेल गैमेट नोन एज स्पर्म। ओके, तो मेल गैमेट जो आमर प्रोड्यूस होकू आम कौन कही था? स्पर्म बोली कही था। स्पर्म कौन ना स्पर्म हूँ मेल गैमेट। ओके, तो ये आम रहा स्क्रोटम रो इमेज, स्क्रोटम रो डायग्राम। ये मुझे बुझे दूचे ये पोर्सन आप देखुं है या देखो यटा हूँ आमर टेस्टिस। बुझे ये पोर्सन को आम कह जाए टेस्टिस। तापर कौन कहला ये हूँ आमर वास डिफरेंस बा डक्टस बोली कह जाए। कौन कह जाए? वास डिफरेंस बा डक्टस। आउ कौन ये हूँ आमर एपिडिडाइमिस। बुझीगला? तो आम जमी पढ़ी थे जे एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या सहित मिसिकी वास डिफरेंस सहित मिसिकी क्या कनेक्ट कर टेस्टिकल को कनेक्ट कर। देखिले ये हूँ आमर एपिडिडाइमिस, ये हूँ आमर वास डिफरेंस बा डक्टस। ये दुई जन जाक जॉइंट है कि क्या कनेक्ट कर टेस्टिकल को कनेक्ट कर। बुझीगला? नेक्स्ट आम देखा प्रोस्टेट ग्लांड। प्रोस्टेट ग्लांड कौन कर? प्रोस्टेट ग्लांड सिक्रेट द मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड। आम तीन टा जिनस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे कौन कहली आपन को? गोटे हूँ पेनिस, गोटे हूँ स्क्रोटम एवं थर्ड वन इज प्रोस्टेट ग्लांड है। तो प्रोस्टेट ग्लांड कौन काम करे? आम पेनिस रो देखिले, स्क्रोटम रो देखिले। प्रोस्टेट ग्लांड कौन काम करे ना गोटे मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करे किए प्रोस्टेट ग्लांड। ठीक अच्छे, यही मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड कौन करे ना जिते बड़े फिजिकल रिलेशन क्रिएट हेबो एवं स्पर्म रिलीज हेबो सेते बड़े जो वेजाइनल रो एसिडिक सिक्रेशन अछि ताको कोन करे? न्यूट्रलाइज करे। बुझीला? गोटे फिजिकल रिलेशन परे कोन हुए? स्पर्म रिलीज हेबो। स्पर्म रिलीज हेला परे फिजिकल रिलेशन टाइम रे वेजाइना रो जो एसिडिक सिक्रेशन थिबो वेजाइनल फ्लूइड रो स्टेट कोन थाए? एसिडिक थाए। तो ए प्रोस्टेट ग्लांड जो मिल्की अल्कलाइन फ्लूइडटा सिक्रेट करे से मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड कौन करे? वेजाइनार से एसिडिक सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज करे जहाँफल कि स्पर्म रो मूवमेंट ठीक रे हेई पारे टुवर्ड्स द यूटेरस। ओके, यूटेरस साइड को स्पर्म रो मूवमेंट ठीक रे हेई पारे ताकू के साहाय्य करे प्रोस्टेट ग्लांड द्वारा सिक्रेशन होतवा ए मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड। बुझीला? नेक्स्ट आम देखा जे स्पर्म रो प्रोडक्शन केमिति हुए। एते डीपली तो एग्जाम रे आसीबोनी तथापि आमर फंडामेंटल क्लियर होगा निहाती दरकार से मुझे मेनसन करें जिनसटा को थोड़े बुझीजे तेल क्वेश्चन जहाँ भी आसू किसी असुविधा ना। बुझे कौन पाई ना आम देखूँ आम गोटे जिनस जदि काऊ आउ आमर गुड़ी काऊ जो पा पीला मठिया गुड़ पकईकी ताकू जदि कहानीटा न जाणी आम किए पा पकला कौटी पा रे किए पकला कौन ना काऊ पकेला काऊ कौन पकेला गुड़ी पकेला एमती विभिन्न क्वेश्चन आसो घुसिकी मन रखा पॉसिबल नुह। बुझे तेणु जदि आम टॉपिकटा को क्लीयरली बुझीजा बुझीगलापर क्वेश्चन जहाँ आसू आम विदाउट एनी हेसीटेट आम कर असुविधा किसी हेनी। तो फर्मेसन अफ स्पर्म, स्पर्म रमेसन केमती हुए? तो फास्ट आमर गोटे फर्मेसन हुए जर्म सेल। आप खाली बुझी जातु या जर्म सेल फर्मेसन हुए। जर्म सेल रू कौन हुए? नेक्स्ट स्टेज हुए आमर स्पर्माटोगोनिया। ओके, ये हूँ स्टेज बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ये कौन हम ना स्पर्म रो फॉर्मेशन हम।
कोई प्रोसीजर से एक्सप्लेन करुच्चे ना जर्म सेल जर्म सेल रु जर्म सेल रु कौन आस स्पोर्माटोगोनिया सेकेंड स्टेज हम स्पोर्माटोगोनिया दीटा प्राइमरी स्पोर्माटोसाइट और सेकेंडरी स्पोर्माटोसाइट प्रोडक्शन हम बुझे स्पोर्माटोगोनिया प्रोसेस रे प्राइमरी स्पोर्माटोसाइट और सेकेंडरी स्पोर्माटोसाइट प्रोडक्शन हम प्राइमरी स्पोर्माटोसाइट रु कौन हम ना दीटा स्पोर्माटेड फॉर्मेशन हे एवं सेकेंडरी स्पोर्माटोसाइट रु दीटा स्पोर्माटेड फॉर्मेशन हे बुझी देन प्रत्येक स्पोर्माटेड रु गोटे लेखे स्पर्म प्रोडक्शन हम ताने ये प्राइमरी स्पोर्माटोसाइट रु दीटा स्पोर्माटेड सेकेंडरी स्पोर्माटोसाइट रु भी दीटा स्पोर्माटेड टोटल चारिटा स्पोर्माटेड होगा चारिटा स्पोर्माटेड रु प्रत्येक स्पोर्माटेड द्वारा गोटे स्पर्म प्रड्यूस है चारिटा स्पोर्माटेड रु चारिटा स्पर्म प्रड्यूस हो गले बुझेगला तेणु यहीपर भाव कौन है ना गोटे जर्म सेल रु आम चारिटा स्पर्म प्रड्यूस है गोटे जर्म रु केतटा सेल स्पर्म प्रड्यूस है चारिटा प्रड्यूस है बुझी देन किछि की पॉइंट माने वैल्यूएबल इनफॉरमेशन जोटा कि एग्जाम रे बहुत थर नर्सिंग ऑफिसर मान को आपण माने जेहेतु ये जिनसटा को पढ़ी एनाटॉमी रे एटा आपण को एग्जाम रे आसीबार पॉसिबिलिटी 99% अछि बुझी होजे फर्स्ट पॉइंट होजे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स 61 डेज केते ना गोटे जो स्पर्म रो प्रोडक्शन पई केते समय लगे 61 डेज रो समय लगी थाए 61 दिन बुझी स्पर्म रो लाइफ स्पैन के 48 to 72 hours ओके 48 to 72 hours लाइफ स्पैन कहले ये कौन बुझा ना आमर फर्टिलाइजेशन हो पार फर्टिलाइजेशन सी उत्कृष्ट स्टेज रे थाए फर्टिलाइजेशन कैपेबुल थाए के समय पर्यंत ना फिजिकल रिलेशनशिप रो 48 to 72 hours पर्यंत ठीक अच्छे से आम कंट्रासेप्टिव पिल यूज करू था कौन तार दुकान रो जोड़ा किणी खाई था सब ना तो कही हेनी से वन टाइप ऑफ एड हो कॉपीराइट लग जाए से ना धरूनी सम 72 थाए आपण मैंने बुझीपे है तेणु लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्माटो स्पर्मेज 48 to 72 hours देन स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौटा ना स्पर्म ह्यूमन बॉडी रो सबुठ स्मॉलेस्ट सेल कौन स्पर्म केवल मेल रे नुहे ह्यूमन बॉडी मीन्स इनक्लूडिंग मेल एंड फीमेल जदि समस्त शरीर को आम कंपेयर करवा ह्यूमन कम्युनिटी रो सबुठ स्मॉलेस्ट सेल हो स्पर्म बुझी एवं स्पर्म रो साइज केते ना 50 माइक्रोन केते 50 माइक्रोन बुझी जदि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होची स्पर्म ए स्पर्म क्या पाखे अच्छी मेल पाखे अच्छी ताले मेल पाखे लार्जेस्ट सेल कौटा से न्यूरॉन बुझीगला या मन रखु स्पर्म फॉर्मेशन होने पर केते दिन समय लगे 61 डेज समय लगे से स्पर्म रो लाइफ स्पैन के 48 to 72 घंटा स्पर्म होची टोटल ह्यूमन कम्युनिटी भितर स्मॉलेस्ट सेल जहाँ कि साइज हूँ के 50 माइक्रोन एवं लार्जेस्ट सेल इन मेल जेहेतु स्पर्म डेराइव करुच्चे क्या पाखु मेल पाखु तेणु से मेल पाखे लार्जेस्ट सेल भी किसी गोटे थी तेणु से लार्जेस्ट सेल हूँ न्यूरॉन क्लियर हो गला ये गला आमर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कथा आम एगेन डिस्कसन करवा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विषय बुझी जदि भिडियोटी भल लगुच देखापी तेल लाइक कर दिंतु और सांग सहित सेयार भी कर दिंतु अन्य माने भी प्रिपेरेसन ठीक रे करी परिवे तेणु चलत डिस्कसन करवा अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन फर्स्ट आम डिस्कसन करवा अबाउट द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो जो पार्ट्स गुड़ाक अच्छे से गुड़ाक मेनली दुई भाग में विभक्त हो जाए गोटे हूँ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स गोटे हूँ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बुझे वन बाय वन आम डिस्कसन करवा सो फर्स्ट आम डिस्कसन करवा क्या विषय इंटरनल जेनाइटल्स ऑर्गन विषय फर्स्ट हूँ आमर ओवरीज इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स किए आस प्रथम ओवरीज नेक्स्ट हूँ आमर फैलोपियन ट्यूब देन यूटेरस देन वेजाइना देन ये है आमर डायग्राम बुझेगा तो इंटरनल जेनेटाल ऑर्गन्स केतटा आम डिस्कसन करुचे
चारिटा ओके एटा ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हला निम्नलिखित दे जैथवा ऑप्शन गुडी को मध्यरु केउटी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन रे आसीबो तेनु या भितरु जे कोनोसीटा भी थिबो जोटा भी थाउ सेटा को आपण टिक करबे ओवरी थिले ओवरी टिक करबे फैलोपियन ट्यूब थिले फैलोपियन ट्यूब टिक करबे यूटेरस किबा भेजना ता भितरु जोटा भी थौ सेटा को टिक करबे गोटे थिबो तो एठी आमे देखंदु इमेज टा को भल रे देखि दियंदु बुझी परिवे ई पार्टा होउ जे हमरो फंडस हला डिटेल्स रे आमे डिस्कशन करिया बिल्कुल हड़बड़ होउंदु नै फंडामेंटल क्लियर करि करि चलंतु आमे पूरा डिटेल रे डिस्कशन करिवा आपनकर एग्जाम सोला पर्यंत सिक्वेंस वाइज 1 by 1 क्लास होबो हला तो फंडस रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो ओवरऑल डिस्कशन छोरि गला पोरे आमे पुणी प्रत्येक ऑर्गन्स विषय रे आमे डिस्कशन करिवा पूरा तो ये होचे हमरो फंडस देन आमे देखिले फैलोपियन ट्यूब देखिले ओके फैलोपियन ट्यूब तळे जो लागिचे हमरो फुलो भलिया व्हाइट व्हाइट टाइप रो से होचे हमरो ओवरी ठीक अछि से होचे हमरो ओवरी देन हमरो आसला यूटेराइन कैविटी ये देखु जोंदी तापरे यूटेराइन कैविटी रे हमरो अछि एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम ओके देन आमर ये होची आमर टोटल यूटेरस ये होची टोटल शेप होची यूटेरस ओके यूटेरस भितरे जो स्पेस अछि सेटा होची तार कैविटी तेणु ताको कह गला यूटेराइन कैविटी बुझे होची तोड़ाड़ को अछि आमर सिलिंड्रिकल शेप रे ए पोर्शनटा ये होची आमर सर्विक्स एवं एंट्रेंस पॉइंट होची आमर भेजाइना क्लियर होला नेक्स्ट आमे देखिबा एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑर्गन विषय रे ओके तो एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑर्गन रे हमर कोन कोन आसुची ना मन्स प्यूबिस लाबिया मेजोरा लाबिया माइनोरा क्लिटोरिस वेस्टिबुल्स पेरिनियम ओके देन ये रहला हमर ग्राफ ताको हमनो देखि दियंतु इमेज को ये होजे हमर आउटर लिप जोडा को लाबिया मेजोरा जोडा ताको हमर आउटर लिप भी कहा जाय लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा रो इनर साइड रे अछि लेबिया माइनोरा देन ये होउ जे हमरो क्लिटोरिस देन ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा ये होउ जे यूरेथ्रा ओके ओपनिंग ऑफ वेजाइना देन पेरिनियम एंड एनस क्लियर अछि नेक्स्ट देखिबा हमें ये सब ऑर्गन्स विषय रे हमें डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा तो जेमते आमे देखि थिले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेमते हमरो आसुची फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम बुझियोला तो जेमते स्पर्म रे थिला हमरो जर्म सेल सेमते ओव्यूम रे कोन हो जर्म सेल अछि देन जर्म सेल परे स्पर्म रे कोन होतला स्पर्माटोगोनिया होतला बुझियौची कोन होतला स्पर्माटोगोनिया किंतु एठी कोन होची ओव्यूम जनरेशन रे एठी सेकंड स्टेप होजी हमरो ओजेनेसिस प्रोसेस रे बुझी होची तापर कोन फॉर्मेशन होची ओजेनेसिस प्रोसेस रे प्राइमरी ओ साइड फॉर्मेशन होची किंतु रिकॉल करै दूची या सहित स्पर्म रो प्रोडक्शन भी ताकि आपनकर फंडामेंटल क्लियर होइ जइबो एवं बुझी परिवे जर्म सेल दीटा एकरे रहला सेकंड स्टेप स्पर्म फॉर्मेशन रे सेकंड स्टेप थला हमरो स्पर्माटोगोनिया किंतु ओव्यूम प्रोडक्शन रे कोन होची ओजेनेसिस होची थर्ड स्टेप थला हमरो कौन फॉर्मेशन होता सेटी स्पर्म रे ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स एवं सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट किंतु एठी कौन प्रोडक्शन होची एठी होजे हमरा प्राइमरी ओसाइट्स बुझी होची प्राइमरी ओसाइट्स हला पोरे हमरा सेकेंड ओसाइट फॉर्मेशन होची एवं फर्स्ट पोलर बॉडी मध्ये फॉर्मेशन होची किंतु सेठी हो नथला स्पर्म प्रोडक्शन रे कोन होतला ना चारिटा स्पर्माटेड प्रोडक्शन होतला ठीक अछि चारिटा स्पर्माटेड प्रोसेस्ड होतला देन फर्स्ट पोलर बॉडी ओव्यूम प्रोडक्शन रो फर्स्ट पोलर बॉडी रे कोन फॉर्मेशन हला उटेड पोलर बॉडी उटेड हला एवं सेकंड पोलर बॉडी रो जनरेशन हला एवं उटेड हला परे कोन प्रोडक्शन हला ओव्यूम उटेड हला परे कोन प्रोडक्शन हला ओव्यूम तो एठू हमें कोन देखले ना गोटे
जर्म सेल रु एठी गोटे सिंगल जर्म सेल रु कौन प्रोड्यूस हो गोटे ओविम प्रोड्यूस हो किंतु स्पर्म रे कौन होता गोटे सिंगल जर्म सेल रु चारिटा स्पर्म प्रोडक्शन होता बुझिपाले तापर जमी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे किसी की पॉइंट्स थिला एठी हमरो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे मध्य की पॉइंट अछि आमे कौन देखी ना ह्यूमन बॉडी रे सबुठ स्मॉलेस्ट सेल थिला हमरो स्पर्म किंतु ह्यूमन बॉडी रो सबुठ लार्जेस्ट सेल कोडा सेडा होची ओव्यूम ओके बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा को एग्जाम रे नियति भाव रे आसे तो ओव्यूम होची ह्यूमन बॉडी रो सबुठ लार्जेस्ट सेल आ स्पर्म होची ह्यूमन बॉडी रो सबुठ स्मॉलेस्ट सेल बुझेला तो ए ओव्यूम रो साइज केते 130 माइक्रोन किंतु स्पर्म रो साइज केते थिला 50 माइक्रोन बुझी होची यार अप्रोक्सीमेटली तीन गुण स्पर्म रो अप्रोक्सीमेटली तीन गुण रो साइज होची ओव्यूम देन स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल होची प्लेटलेट बुझेला स्मॉलेस्ट सेल इन मेल कौन थिला सेटा होची स्पर्म आउ लार्जेस्ट सेल कौन थिला सेटा थिला हमरो न्यूरॉन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे बा मेल बॉडी रे किंतु फीमेल रे लार्जेस्ट सेल बा ह्यूमन कम्युनिटी रो लार्जेस्ट सेल होची ओव्यूम जारो की साइज होची 130 माइक्रोन एवं स्मॉलेस्ट सेल होची फीमेल रे कौन प्लेटलेट बुझी होची तो ये जो ओव्यूम रो लाइफ स्पैन केते लाइफ स्पैन होची हमर 12 रु 24 घंटा किंतु स्पर्म रो केते थिला 48 टू 72 आवर्स 48 रु 72 घंटा बुझी हला ये जो फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम केते समय लागे 6 रु 8 दिन रो समय नै थाय ओके किंतु स्पर्म प्रोडक्शन होबा पई केते समय ने 61 डेज ओके स्पर्म सेल प्रोड्यूस होबा पई 61 दिन रो समय लागि थाय किंतु ओव्यूम फॉर्मेशन होबा पई केते दिन समय लागे 6 रु 8 दिन रो समय लागि थाय ओके पिला माने आज पई एतिकि पुनी देखा हबो आसंता वीडियो रे आमे डिटेल्स जहां आज पढिले ऑर्गन्स गुडा को ताको निहाती भाव रे आमे डिटेल्स रे डिस्कशन करबा नेक्स्ट वीडियो रे क्लोनोलॉजिकली यदि चैनल को भल लागि ताले लाइक कर देबे पुनी देखा हबो आगामी वीडियो रे रहूची नमस्कार।